और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में बफे परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। और आज 18 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 54 अध्याय और उसके 17 पद के अंदर। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, परमेश्वर का हम इस सुंदर वायदे के लिए धन्यवाद करते हैं। और अक्सर हम इस बात को बोलते हैं, इस बात को सुनते हैं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल ना होगा। हम इन बातों को सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वायदे किसके जीवन में पूरे होंगे। चाहते तो सभी हैं, रैप्चर में जाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जाता कौन है रैप्चर में, कौन जाएगा रैप्चर में? वचन के अनुसार जो तैयार होगा, हालेलुया, हर कोई नहीं जाएगा, आमीन। इसी तरह से वायदे तो बहुत सारे हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन पूरे किसके जीवन में होते हैं? पूरे उन लोगों के जीवन में होते हैं जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। और हम किसी के लिए भी बोल दें कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे उसमें से कोई सफल ना होगा, परंतु इस बात को हमें देखना है कि वहां परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, हम बहुत कुछ चाहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप ऐसा कर दीजिए, परमेश्वर आप ये कर दीजिए, परमेश्वर आप ये दे दीजिए, परमेश्वर ऐसा हो जाए, परमेश्वर वैसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर भी तो हमसे कुछ उम्मीद कर रहा है। हालेलुया, लिखा है जब तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे तब परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आएगा, जब तुम विश्वास करोगे तब अनुग्रह के द्वारा जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीद कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर यहां पर कह रहा है इन बातों को कि वो किसके लिए है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। किसके लिए कहा जा रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, ये बात किसके लिए की जा रही है? यहां वचन साफ तरह से हमको बता रहा है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी। हालेलुया, एवरी बिलीवर मस्ट बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आप ये मत सोचिए कि कोई पास्टर है बस वही सेवक है। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई सेवक नहीं है तो वो विश्वासी नहीं, अगर कोई विश्वासी है तो उसको सेवक होना अनिवार्य है। हालेलुया, और हर विश्वासी को सेवा दी गई है, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जिसको सेवा नहीं दी गई। कोई प्रार्थना के द्वारा सेवा कर रहा है, कोई अपनी योग्यता को इस्तेमाल करके सेवा कर रहा है, कोई अपने धन को देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बोने के द्वारा जो है वो सेवा कर रहा है, कोई जो है अलग अलग तरह से मदद कर किसी रूप में जो है कलीसिया में और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर किसी को तोड़े दिए गए हैं, हर किसी से परमेश्वर कुछ उम्मीद कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी आलसी ना हो, कोई भी जो है परमेश्वर के राज्य में कोई भी बेरोजगार ना हो, हर किसी को परमेश्वर ने जो है काम दिया है। हालेलुया, हर किसी को परमेश्वर ने काम दिया है। जिस व्यक्ति को एक तोड़ा दिया गया था, एक व्यक्ति को जो है 10 तोड़े दिए गए थे, एक व्यक्ति को जो है 5 तोड़े दिए गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है किसको 10 देने चाहिए, किसको 5 देने चाहिए और किसको 1 देना चाहिए। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता था कि जिसको मैं 1 दे रहा हूं वो उस 1 को भी इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले से परमेश्वर को इस बारे में पता था। लेकिन परमेश्वर जो है इस बात को बताना चाहता है, इस बात को हमको सिखाना चाहता है, हमें इस बात को समझना है, प्रभु सब जानते हैं। हालेलुया,
जो था, जो है और जो आने वाला है। परमेश्वर सब जानते हैं किसको कितना देना चाहिए, किसको कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब जानते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, हर विश्वासी से परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करे। सेवा कौन करता है? जब किसी का कोई आदर करता है। क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं? यदि हम उसका आदर करते हैं तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से प्यार और आदर तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, इस बात को भी हमको समझना है कि हमें परमेश्वर को जानना है ताकि हम उसका आदर कर पाएं, उससे प्यार कर पाएं, और जब हम उसको प्यार करेंगे तभी हम उसकी सेवा जो है कर पाएंगे। जो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी भी रूप में परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हैं और वो अपनी बुलाहट के योग्य चाल नहीं चल रहे हैं, उन सभी लोगों से परमेश्वर जो है वो पलटा लेने जा रहा है। हालेलुया, और परमेश्वर कहता है कि इसे ले जाओ और इसे उस आग में फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि उसने अपने तोड़े का इस्तेमाल जो था वो नहीं किया और उसे गाड़ कर जमीन के अंदर रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक को परमेश्वर ने जो है सेवा के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, इफ वी रियली नो God, we will serve God. अगर हम परमेश्वर को वास्तव में जानते हैं ना, तो हम जरूर परमेश्वर की सेवा करेंगे। जो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, चाहे कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है कि वो कितना महान है, मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, मुझे उसके राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया, हमें इस बात को समझना है। हालेलुया, और हम उसे कैसे जानते हैं? क्या आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है? मैं आपको तीन बातें आज बताना चाहता हूं कि हाउ वी नो हिम, क्या हम उसको जानने की और उसको जानने की कोशिश आज कर रहे हैं। हालेलुया, और हम उसको कैसे प्यार करेंगे, यानी क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, और साथ ही हाउ वी सर्व हिम, हम उसकी कैसे सेवा करते हैं, क्या हम वास्तव में अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, जिस बुलाहट के साथ हमको बुलाया है, क्या हमने अपनी बुलाहट को पहचान लिया है, क्या हम उस बुलाहट के योग्य चाल जो है वो चल रहे हैं, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो पवित्र आत्मा के साथ हम सहयोग कर रहे हैं ताकि हम उस कार्य को, उस योजना को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा करने के लिए रखी है, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कर या नहीं, आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, और क्या हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो पाए, क्या हम उस बुलाहट के योग्य चाल को चल रहे हैं। तो आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और इस बात को देखने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि ये वायदे हमारे जीवन में पूरे हो, तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। हालेलुया, क्या हम वास्तव में यहोवा के दास कहलाते हैं? क्या जब यहोवा कहता है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, क्या वास्तव में वो हमारा स्वामी है और हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया, तो मैं आपसे आज के डेली डिवोशन में यही प्रश्न जो है वो पूछना चाहता हूं कि जब कहा गया है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, तो किसको यहोवा परमेश्वर अपना दास कहता है? उसके अंदर क्या होना चाहिए कि किसको परमेश्वर यहोवा अपना दास कह रहा है? हालेलुया, उस दास के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? जो हमने आज सीखा है, जिन बातों को, आप जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड।